स्पेसिफिकेशन और जो आपका ये जो आप रोड इंजीनियरिंग है उसको अगर आप सही तरीके से हमको करके देगा सर, तो हमको नहीं लगता है कि आपका जो ट्रैफिक प्रॉब्लम को हम लोग आराम से सर यहाँ में कैटर कर पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी वो नहीं हुआ है। लेकिन आई थिंक कुछ हम लोग लेकुना से जो हम डिपार्टमेंट में, जैसे कि ये आपका जो आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया वो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, और इतना सारा आपका जो उसका वो ड्रेन या आपको टूटा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फुटपाथ होता है तो आदमी लोग आपका प्रेस्टर्न वे नहीं होगी, वो लोग आपका जो हाईवे से आता है, तो ऐसा करके उसमें भी आपका ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो फिर वो मेरे हाथ में नहीं है सर। तो उसके लिए मैंने ये कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा, लेकिन ऑन ग्राउंड में सर कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो मार्किंग्स है सर, ये मार्किंग तो आपका एक दो महीना में वो ख़राब हो जाता है, तो आपको विदाउट मार्किंग्स हम लोग सर उसको हम लोग जो आपका ट्रैफिक रूल को हम लोग आपका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सर। तो वो लोग पूछते हैं कि मतलब मार्किंग मिट जाता है, तो उसके लिए भी सर मैंने कितना बार लिखा लेकिन वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपको 3 महीना हो गया सर, मैं आपका जो APHT को वन वे बनाने के लिए हम कर रहे हैं, तो उसको लेकिन करने के लिए हमको आपको 3 महीना वेट करना पड़ रहा है। एक डिपार्टमेंट बोलता है कि ये मेरा काम नहीं, वो पैकेज ए का है, फिर एक बोलता है वो पैकेज बी का है, फिर कभी आपका जे ही नहीं मिलता है, कभी आपका ए ही नहीं मिलता है। तो सर जब काम आपका ऑन टाइम नहीं होगा तो उसमें सर ये हो जाता है, आपका ट्रैफिक का भी उसमें होता है। तो ये सर हम लोग बेसिकली सर हम लोग उसी में हम लोग चल रहे थे ऐसा करके। अच्छा, अभी जो हम लोग अपने जो अभी हम लोग जो पान मांग रहे हैं इसमें तो ये वाला तो नहीं है, तो उस दिन जैसे हम लोग डिस्कशन किया जो व्हाइट मार्किंग करना, हाँ सर, रोड मार्किंग, उसका बाद आपको कुछ बैरिकेड चाहिए और कुछ साइनेस जो है विजिबल होने वाला साइनेस चाहिए, तो इसमें नहीं है अभी जो हम दोनों जो सर, उसमें नहीं है सर। सर सिर्फ आपका सर ये जो सिस्टम हम लोग जो सर किया है ये आपका AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है सर। उसमें सर क्या होता है कि आपका ये एवरी टाइप का आपका जो फैसिलिटी वो इंटीग्रेटेड है, जैसे कि उसमें सर आपका रेड वायोलेशन है वहाँ पे, फिर आपका नाइट में सर अगर कोई आपका ट्रैफिक रूल वायलेट करता है तो उसमें आपका कैमरा होता है वो कर लेते हैं, फिर उसमें आपका एक सर ये है कि वो एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम है उसमें ये, तो सर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें सर ये नहीं है कि मतलब आपका गाड़ी कितना आ रहा है घर में, तो वो आपका रेड ये रेड ऑरेंज और जो ग्रीन लाइट है वो ऐसे आप मतलब एज पर टाइमिंग चलते रहेगा, लेकिन जो अभी का जो सिस्टम है सर उसमें सर वो ये देखते हैं कि आपका गाड़ी कितना है, तो एज पर नंबर ऑफ ये जो व्हीकल है उसी हिसाब से वो अपना चेंज करता है सर, तो वो खुद खुद एडेप्टिव करते हैं क्रॉस में टाइमिंग को। हाँ वो अच्छा है, तो टाइमिंग खुद से मिला है उसके बाद वहाँ पे। हाँ सर, तो उसमें आपका ये कैमराज भी इंटीग्रेटेड है वहाँ पे, तो ये अच्छा सिस्टम है सर ये तो। तो अभी आप लोग का हमारा जो यहाँ एक्सपीरियंस है सीनियर सिटीजन प्लस खुद ही इसी रास्ता में चलता है, तो आप लोग का पब्लिक का साइड से भी कुछ आप लोग का कोई इनपुट होने से बताइए, क्योंकि हम लोग तो आपस में बात करते रहता है ऑफिसर लोग ना, लेकिन पब्लिक से भी कभी कभी सुनना चाहिए ना पब्लिक लोग क्या, जैसे आपका जो एरिया है विवेक विहार है तो गंगा से आप लोग तो जाता ही होगा, तो अभी जैसे SP साहब जो बोला है उसमें तो सही है, सड़क ठीक नहीं होता है, नाला ठीक, फुटपाथ ठीक नहीं होता है, और ये जैसे अभी मार्किंग अच्छा से नहीं होता है, साइनेस जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसमें भी गाली रहता है, साइन पूरा इतना विजिबल नहीं था, हम दिखाई नहीं दिया, हम गाड़ी इसलिए पार्क कर दिया, बहुत से इश्यूज है। और खास करके अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी हमारा टाउन प्लानर इधर बैठा हुआ है, 1 साल होने वाला है, हम उनको बातचीत किया है कि जो पुराना बिल्डिंग जो है बन गया उसको टाइम लगेगा, लेकिन जो नया जो बिल्डिंग अभी बना रहा है उनको एक है कि हमारा जो टाउन प्लानिंग का नियम है कि 1 तार छोड़ के सपोज आपको 15 मीटर बाय 15 मीटर मिला है, तो 5 मीटर वो अपना जो एलोटेड ज़मीन को छोड़ के घर बनाना है, तो उनका जो कस्टमर हो गया या कोई विजिटर्स हो गया वो उसी प्रॉपर्टी में घुसेगा। अभी तो हम लोग तो RO को इनक्रोच किया हुआ है, उसका ऊपर बिल्डिंग भी उतना रास्ता का सामने बना के रखा है, तो अभी जो नया बना रहा है उसको भी हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि बेस फ्लोर या और ग्राउंड फ्लोर दोनों को पार्किंग करो ना, रेस को आप बिजनेस जो करना है करो। ये टाउन प्लानर को बोला, उस दिन हम लोग मंत्री का उधर में है,
मीटिंग जो बैठा है हम लोग उसको भी ये चर्चा किया है। और अभी आप लोग पार्टिसिपेट करने से पहले आप टाउन प्लानर जो है बताइए, आप ही तो ये सब प्लानिंग को करके हाईवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप कोई बताना है कि नहीं ऐसे नहीं चलता है बोल के, तो क्यों नहीं बोला है सर? ये आज ये पिछले ट्रैफिक के लिए हाँ, तो ये पॉइंट में मैं करा, ट्रैफिक मींस पार्किंग इंक्लूडिंग पार्किंग, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो एवरी सिटी का नंबर वन प्रॉब्लम, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत दो तीन चीज है। एक तो परमानेंट सोल्यूशन, उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी एंड प्लान चाहिए, प्लान ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि रेगुलेशन पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट लास्ट में जाता है, ट्रैफिक का प्लान बनाओ आगे, प्लान में ये इंडिकेट करता है कि हम लोग का सिटी में कितना जंक्शन है, सबसे पहले उसको तो हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ये फॉर एग्जाम्पल निर्जली जंक्शन, अति माता जंक्शन, बैंक टनियाली जंक्शन, ये आर के मिशन जंक्शन, गोहपुर जंक्शन, जैसे हम सिटी दूसरा सिटी में जा रहे हैं रोटरी होता है ना, तो वो सिमिलर वे में हम उसको डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करना होता है, तो ट्रैफिक फ्लो का ऑटोमेटिकली होता है, रोल ऑफ मैंने ट्रैफिक पुलिस का कम भी पड़ता है। तो हमारा यहाँ में तो ये नील है, वेरे गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज बीन enacted law of and approved master plan, we are enforcing in there that particular projects are approved, uske liye humko fund chahiye, without fund mein traffic improvement nahi hoga, ab this marking and all is temporary thing, ek aap permanent policy banana hi padega capital purpose ke liye, to uske liye for example नंबर वन तो हमको सर्वे होता है, सर्वे में जैसे ओरिजिन एंड डिस्टिनेशन सर्वे होता है, जैसे एंड टू एंड में कितना ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, गाड़ी फ्लो हो रहा है, हर गाड़ी व्हीकल का मूवमेंट को स्टडी करता है फिजिकल एंड रिकॉर्डिंग वे में, टू एक वॉल्यूमेट्रिक सर्वे, किस पॉइंट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है कैपिटल में, उसको उसका हिसाब से हम ट्रैफिक डिजाइन करना होता है, आईलैंड जो उसमें कितना आर्म का जंक्शन बनाएगा, उसका बिना ट्रैफिक कभी भी सर स्मूथ नहीं हो, क्योंकि रोड आर ओ डब्ल्यू जो नोटिफाइड है आर ओ डब्ल्यू का हिसाब से जंक्शन तो बनाना पड़ेगा, जंक्शन हो जो रोटरी से शॉर्ट होने से तो फ्लाई ओवर में जाता है, अब तैयार में होता फ्लाई ओवर को आगे बना रहा है, कौन से वैसे नहीं आगे मेन ये को लैंड को बना रहा है, तो उससे नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है तो फ्लाई ओवर, तो हमारा यहाँ में हम लोग सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक को कैसे मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट पॉलिसी को नंबर वन साल बनाना है गवर्नमेंट लेवल में, हम लेवल में तो मास्टर प्लान में कुछ कुछ रिफ्लेक्शन किया गया है ऑलरेडी, मैंने प्रोजेक्टेड है वो स्कीम को देने से टेस्टिंग वे में दो तीन भी जंक्शन आप करके देखो तब तो ट्रैफिक इस होता है कि नहीं तो ट्रैफिक पता चलता। और ये बिल्डिंग का बात है तो सर रेगुलेशन अभी यू हैव ऑलरेडी सर मोर देन 300 नोटिस, उसमें कोई कोई लोग कंप्लाई कर चुका है, 70-80 तो कंप्लाई हो गया, किसी को परमिशन हम लोग डेवलपमेंट परमिशन वगैरह दे दिया है, तो हमारा ये चीज जो लोग जो नया है बोलते नया नहीं है, ये 2010 में आ चुका है, उसका बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है बोल के 2019 में भी बिल्डिंग बायलॉ को अमेंडमेंट किया गया एज पर पब्लिक रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिम्स को हम बिल्डिंग बायलॉ परमिशन नहीं दे रहा था, 200-400 करोड़ रुपया आके रहा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो कैबिनेट ने थोड़ा रिलैक्स किया है लोगों को, मैंने ऐसे करके थोड़ा मॉडिफाई भी कर देंगे, तो इसका हम जब सिटी में सुंदर से रहना है तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल को निभा के जाना है, रूल मीन्स अपना घर से ही शुरू करना है, जब आप घर बना रहा होता है तो अपना एक नौ एक किसी एक आदमी का पांच छह घर होता है, एक घर को टिक कर देने समझ जाता है, तो ये में हम अवेयरनेस भी कर रहा है जो भी ऑफिस में
जाके ट्रैफिक चल रहा है, फिर भी सिटी को ट्रेडमेन करना समय तो चार लगता है, उसमें आपका गवर्नमेंट का आम सभी का पब्लिक का कोऑपरेशन जरूरी है, हर डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन जरूरी है। तो हम लोग का एक्शन सर कुछ इनपुट देगा। थैंक यू सर आपको बोलने के लिए। सर ईटानगर का ट्रैफिक का तो आज का डेट में अगर देखा जाए तो बॉटलनेक टू ये आपका जो ये पापुनाला एरिया है, तो पापुनाला एरिया क्यों आज बॉटलनेक है इसको पहला समझना पड़ेगा। इसको समझने से बाकी का आपका ट्रैफिक ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका नाहरलगन का ट्रैफिक, निर्जली का, बंडरदेवा का, द्विमुख का, यूपिया का, सब आके उधर दोनों एक लाइन दो लाइन हाईवे है, एक इस तरफ से हाईवे है एक फोर लाइन हाईवे है, पर हाईवे बना नहीं है, बन रहा है, होने से वहाँ का आके इधर जाम हो जाता है। एक तो यहाँ का आपका जोलंग से आता है और एक तो यहाँ से ईटानगर से आता है, आ करके वहाँ में सब जाके मिल जाता है। वहाँ में कभी कभार हम लोग ये क्या होता है कि 2 घंटा 3 घंटा तक आदमी सबका वेस्टेज हो जाता है। वहाँ में सबसे अभी बड़ा बन रहा है, लेकिन कमिंग डेज में कोई बड़ा फिर हम लोग का ये भी बढ़ेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, आदमी भी बढ़ेगा। अभी आप नाहरलगन का अंदर अंदर जाके देखिए, जोलंग तरफ जाके देखिए, न्यूजली अंदर जाके देखिए, कॉलोनी तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर ईटानगर का ट्रैफिक को आज का सिचुएशन को देख के हम लोग को प्लान नहीं करना चाहिए। हम लोग को 40 ईयर्स अहेड 30 ईयर्स अहेड 50 ईयर्स अहेड में हम लोग इसको कैसे करके हम लोग इसको मिटिगेट करना चाहिए बोल के, इसमें शॉर्ट टाइम छोटा मोटा हम लोग प्लान करके, छोटा मोटा पैकेज को हम लोग प्लान करके या हम लोग करने से सर ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको बड़ा प्लान करना पड़ेगा। इसलिए हमारा तरफ से हम तो सोचता है सर, ये ईटानगर में मेन चीज़ है आपका बाईपास रोड नहीं है, जो नाहरलगन से आपको सपोज होलंगी जाना चाहता है, जोते जाना चाहता है, वो ईटानगर होके ही जाएगा, पापुनाला होके ही जाएगा। हम लोग करने का जगह है, हम लोग ने भी एक प्लान किया था, न्यूजली से एक बाईपास रास्ता जाएगा, जाके चिंपू हाईवे में ज्वाइन करेगा, फिर चिंपू से एक जाएगा आपका ये जोते वाला हाईवे को ज्वाइन करेगा ऊपर ऊपर से, ये हम लोग प्लान करना चाहिए। और ये दोनीपोलो साइड में तो एक हाईवे है ही है, वो तो अभी कम पड़ा हुआ है, इधर से बनाने में थोड़ा सा गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा लगेगा हम जो देखते हैं। और एक तो सर हमारा एक हम हमेशा ये मीटिंग में हमेशा कुछ कुछ में हम बोलता रहता है कि हम लोग ईटानगर का जो प्लानिंग है ना सर, अगर आज का जैसे हम लोग बैठ के सीरियसली अगर बोलता कि 80s में या 90s में बोलता, ये कोई बड़ा बात है ही नहीं। आज क्या है, ये जमीन क्या है, जमीन तो सब सरकार का है, अलोटेड दे के रखा है, लेकिन ROW में आदमी आके घुस के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर ये हम का सरकार का भी भूल है कि किसी को अलाउ कर दिया, अभी उसको तोड़ने में मुश्किल हो रहा है। ईटानगर जाएगा बस में उठेगा, उसको 2 घंटा लग रहा है यहाँ पहुँचने, तो क्यों वो बस में जाएगा? हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कब करता है, जब हम लोग जल्दी पहुँचेगा, जैसे दिल्ली में जाएगा तो हम मेट्रो यूज करते हैं, जल्दी पहुँचता है, तो इसी हिसाब से हम लोग एक कारगर अभी भी कर सकते हैं सर, ठीक है चलो मेट्रो तो बहुत कॉस्टली हो गया, मेट्रो नहीं होने से भी एक ट्राम लाइन भी हम लोग अगर रेलवे स्टेशन वहाँ से करके नदी नदी करके यहाँ नहीं होने से भी चिंपू तक कर देने से आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा, पक्का यूज करेगा, क्योंकि जल सकने से तो अच्छा है वो अगर ईटानगर तक ये सेक्रेटरीट तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाएगा तो पक्का आदमी उसको यूज करेगा, या गंगा मार्केट तक हम वो ट्राम लाइन को अगर लेके जाए, तो अगर ऐसे कुछ कारगर बनाएगा तब जा करके ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आदमी यूज करेगा। नहीं तो आज का डेट में चौथा वाला गाड़ी बाइक को ही इतना समय लगता है तो बस को कितना समय लगता होगा, तो इसलिए आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करता है, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, नहीं होने का रीजन इट टेक्स मोर टाइम। अगर हम इसको नदी नदी से अभी भी कर सकता है, मेरा ख्याल से अभी भी हम लोग ट्राम लाइन कुछ भी एक मोनोरेल भी कर सकते हैं छोटा मोटा, हम लोग दिल्ली को इसका बारे में हम तो सोचते हैं, हम लोग का सरकार का तरफ से एक प्रपोजल सर आपका तरफ से एक प्रपोजल जाने से अच्छा है, तो ये जब नहीं होगा ना सर, जैसे SP सर ने बताया वो सर पेरिफेरल रोड्स है, छोटा छोटा बस्तियाँ आया आपस में बस्तियाँ आ आ करके वो तो होता रहेगा, कल को रास्ता अच्छा होने से भी ये प्रॉब्लम होगा। उसके बाद
जो ये ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम्स है गर्मियों का दिन है ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि रास्ता खराब हो जाता है और रास्ता जो है जो पेरिफेरल रास्ता है ड्रेन बन जाता है और यहाँ का जो ड्रेन रास्ता का जो ड्रेन है वो ड्रेन में पानी जाता नहीं है, रास्ता में पानी जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोग ने सर आपका ये हम लोग गया था जो देखा है वो पानी का वजह से वो इरप्शन होता है आपका कंक्रीट में। हम लोग का इंजीनियरिंग नियम का हिसाब से एज पर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स वी कैन नॉट अलो यू नो वाटर स्टैग्नेशन वाटर हम लोग एलो नहीं कर सकता है WBM में, इसलिए WBM खराब होता है। ये क्या होता है वो BT रोड में। तो इसमें जो हम जो पर्सनली सर आपका साथ भी बहुत बार घुमा है जाके जो देखा है तो हम लोग का जो पेरिफेरल रास्ता जो बनाता है वो ऐसे ही छोड़ देता है। ड्रेन्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ड्रेन्स तो है, ड्रेन्स में आप पानी जाता ही नहीं है, रास्ता में जाता है। ठीक है ड्रेन से ओवरफ्लो होके जा रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड हाँ ड्रेन थोड़ा इनसफिशियंट हो गया इसके वजह से ड्रेन है। और कोई कोई PWD का ड्रेन्स तो जैसे PWD हाईवे का ड्रेन्स हो, ड्रेन्स तो एक कोना से एक कोना जाना चाहिए सर, अब भी टेक्नोक्रेट है आपको भी पता है एक कोना से एक कोना एक स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा और स्लोप मेंटेन करने के लिए ईटानगर जैसे जगह में इसी एरिया में क्या प्रॉब्लम है ऑलरेडी देयर इज अ स्लोप बट दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग कंस्ट्रक्शन वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एवरी ईयर। उसके बाद ईटानगर का जो मेन ट्रैफिक नाहरलगुन को छोड़ो नाहरलगुन थोड़ा प्लेन है, ईटानगर का मेन जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से गर्मियों का दिन में ये ड्रेन्स ही है, ऑन मेन ड्रेन्स है जो रास्ता भेज दिया रास्ता के ऊपर फिर रास्ता में चला जाता है, रास्ता जो है नदी बन जाता है जैसे क्लग बर्ड्स हो गया पूरा का पूरा ये आ गया। जैसे इसको भी हम लोग मिटिगेट कर सकता है जैसे कि आपका ये यमासु नदी है उसको हम लोग अगर लाइन ड्रेन दे देगा ऊपर तक जाएगा तो ये अभी बनाने का अभी देखो इसलिए हमने बोला कि हम लोग अगर इसको 90s या 2000 में अगर हम लोग सोचता तो ये बहुत आसान था क्योंकि उसमें आदमी था ही नहीं, यमासु का नदी का आसपास में आदमी था ही नहीं। अभी आदमी आ गया सिकुर के नदी को छोटा बना दिया, नाला को छोटा बना दिया और यहाँ में ओल्ड ओनरशिप का आदमी आता है बाहर से जो आने वाला विंटर में घर बना देता है 3 महीना में, विंटर में तो वो नाला सूखा पड़ा रहता है वो उसको लगता है कि यहाँ में कुछ भी नहीं है ये तो सूखा है लेकिन बारिश आ जाएगा तो पूरा बारिश आके वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाता है। अब कहीं भी जाके देखिए ये रास्ता डैमेज होने का रीजन तो अनप्लान कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है। जो भी रास्ता आता है जो भी पेरिफेरल रास्ता आर्टरी जो बोलते हैं आर्टरी रोड जो हाईवे में ज्वाइन करता है उसका जो है प्रॉपर जो भी उधर पानी गिरता है वो सिर्फ ड्रेन में गिरना चाहिए, ड्रेन से ड्रेन में जाना चाहिए। एक अगर हम लोग ऐसे बना सकेगा तो हम लोग का रास्ता भी ये लॉस्ट करेगा, हमारा ट्रॉफिक का भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और हम लोग बाय डूइंग दैट हम लोग सरकार का पैसा बहुत सेव होगा क्योंकि हर साल इसमें रिकरिंग खर्चा। अगर हम इसको एक बार अगर एक बना के देखेगा तो ये मेरा ख्याल से अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए मेरा तरफ से एक सुझाव है सर क्यों ना हम लोग ऐसा करें क्योंकि हम लोग जमाना में सर आप नेरिस का प्रोडक्ट है, हम लोग यहाँ अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है NIT आया हुआ है, हम लोग ऐसे कोई एक प्रोजेक्ट ऐसे कोई एक पायलट प्रोजेक्ट ले आप सरकार को बोलिए पायलट प्रोजेक्ट ले उसको हम लोग जैसे कि यहाँ से ले करके ये चंडी नगर से ले करके RK मिशन तक का ये हाईवे स्टेशन को ले लेते हैं, ले करके इसको ट्राई करके देखता है कि इसका ड्रेन को चेंज करके देखता है तो रास्ता जो आता है उसको चेंज करके देखता है आपका बेंडुबल पॉइंट का एक ट्रायल करके रिसर्च वे में हम लोग इसको ये टीचर लोग के साथ मिलके हम लोग भी मिलके आप लोग मिलके पब्लिक मिलके करके देखने से क्या होगा क्या पता इससे हम लोग का अच्छा सुल मेरे ख्याल से आना चाहिए। वी आर नॉट डूइंग इट, हम किसी ने कोशिश नहीं किया, सिर्फ दिल्ली से जो रहता या लिखा वाला को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ का भौगोलिक स्थिति और यहाँ का भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर। उसके बाद जहाँ तक पार्किंग का प्रॉब्लम है जहाँ पार्किंग का सुविधा है हम तो वही बोलेगा सर जो दुकान बनाता है जो पार्किंग प्लेसेस मुहैया नहीं करा सकता है तो इसका ट्रेडिंग लाइसेंस को ये कैंसिल करने से अच्छा है। क्योंकि वो एक ट्रेडिंग लाइसेंस है वो गवर्नमेंट का अर्निंग है
चलो मैं मानता है, वो इसको इसको देता है, चलो मैं मानता है, लेकिन उससे कितना गवर्नमेंट को और नुकसान हो रहा है उसके वजह से। एक गाड़ी पार्किंग कर दिया, 100 गाड़ी पीछे में रह गया और 2 घंटा पेट्रोल जलाया, उसका लॉस है, उसका लॉस नहीं है ना, आदमी आगे बढ़े, नेशन का इकोनॉमी का लॉस है। फुकट में हम तेल जला रहे हैं, हम कैसे सोच रखना पड़ेगा, ऐसे विचार रखना पड़ेगा, तब जाके ये सुधर जाएगा। और दुकान वाला को भी सोचना पड़ेगा कि ओनली बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग, और घर वाला को भी सोचना पड़ेगा ओनली बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग कि हम कुछ कैन नॉट यू नो, ये जो रैंसम में पब्लिक को नहीं रख सकता, मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत थैंक यू, इतना अच्छा से बढ़िया से आपको हम लोग को समझा दिया। तो टेक्निकल आदमी लोग सब बहुत बात कर लिया, तो सीनियर सिटीजन लोग, मैडम आप एक लेडीज कॉरपोरेटर भी रहा ना, हाँ, तो आप हम लोग को आइडिया दे के देखो। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक, और आज का ये सेशन हम तो आपको हमेशा लाइव में देखते रहता है, क्योंकि हमको भी ऐसा इंटरेस्ट लगता है कि आप क्या करते हैं नहीं करते, ऐसे चर्चा में आप भी देखते रहते हैं कि आप हमेशा लाइव में किसी को वीडियो लेते हुए देखते हैं, हमको भी मौका मिल रहा है इसके लिए भी थैंक यू। तो एज एन माय सिटीजन ऑफ दिस ईटानगर का, हम तो ईटानगर में पैदा हुआ, मेरा माँ पिता जी का रहा है, हम लोग यहाँ पे जन्म यहीं पे है हमारा, तो इसलिए ईटानगर सुंदर होना, अच्छा होना, ये हमारा मतलब एक प्रायोरिटी में रहता है कि हमारा ईटानगर में जो भी आए जो भी रहे अच्छा हो। सबसे पहले तो आप जो ये यूजी डिपार्टमेंट का एसपी साहब का टाउन प्लानिंग एक ही सोच है, अच्छा ईटानगर का कुछ कुछ ट्रेडिंग लाइसेंस है, दुकान को छोड़ के मॉल को छोड़ के, मॉल तो ऑलमोस्ट ऑल अपना दे, आई थिंक दे यूज टू टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स, और अपना से दे देता होगा पार्किंग अंदर में, लेकिन अदर देन मॉल जो शॉपिंग जो हम लोग का जैसा जो विंडो शॉप होता है, उन लोग के लिए प्रॉब्लम ऐसा है, वो पहले ज़माना में तो ठीक था, वन इट वॉज 90s, मेरा तो 90s में शायद दुकान हमने लिया था लीज में, तो उसका बाद अभी देखता है तो वो उस समय का ज़माना और अभी का तो बहुत अंतर हो गया। तो ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस देते समय खास करके जो मैकेनिकल जो शॉप्स लोग होता है ना, जो गाड़ी बनाता है, गाड़ी पार्ट्स लिया करता है, वो लोग का वजह से भी एक बहुत गाड़ी पार्किंग होते रहता है, अननेसेसरी इधर उधर पार्क, और एक तो है हमारा रोड बिल्डिंग मटेरियल, उसको भी मतलब जो मेन मार्केट सब में नहीं देखे वो लोग के लिए एक एक कॉर्नर साइड का एक तो अलग से, जैसे आप लोग मछली बाजार को अलग बना रहे हैं, ये को अलग बना रहे हैं, इसी तरह ये जो मैकेनिकल ये शॉप लोग को ट्रेडिंग लाइसेंस को और रोड ये चीज लोग सब लोहा लोग को एक अलग एक तो साइड बना के उसी में सब लोग जाएगा, उसी में मिलेगा, ऐसे ही बना। दिल्ली मुंबई में भी हम देखा है जो वाइन शॉप लोग भी एकदम अलग एक जगह में रहते हैं ना, ऐसा है मैंने यहाँ पान गुमटी जैसे जहाँ तहाँ नहीं होता है, हम लोग का यहाँ तो मिल जाता है, दिल्ली मुंबई में जाने से एक बियर पिएगा बोलने से, वाइन पिएगा बोलने से तो बहुत मैंने आपको बोले वो शॉपिंग मार्केट से खरीदना है ऐसा होता है, तो ऐसे ही मैंने इसको भी कुछ प्लान करने से चीज देना है, वो एक तो है ट्रेडिंग लाइसेंस में, और दूसरा है जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हमको लगता है एक हम लोग आदमी, क्योंकि हमारा जो ईटानगर का ये टोपोग्राफी ऐसा है, आपके यहाँ में डीसी ऑफिस है, वो उधर में एक पहाड़ में एक ऑफिस है, वो पहाड़ में एक ऑफिस है, इनका जैसा आपका ये टाउन प्लानर का ऑफिस है पहाड़ एक चोटी में है, तो वो सब जाने के लिए होने से तो आदमी क्या होता है कि भले खाना ही मत खाओ ना, एक स्कूटी तो लेना ही है, ऐसा हो जाता है वो पहुँचने के लिए, तो उसको आप लोग कैसा अच्छा करना है कि ट्रांसपोर्टेशन को एक सिटी सर्विस मैंने बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन सिटी का ना, सिटी बस छोटा सा उसमें ज़्यादा 3 सीटर्स का हुआ क्या सीटर्स का हुआ ऐसा बना के उसको 10-10 मिनट में सर्विस देने से, हर सिटी कोना कोना में सर्विस देने से क्या जानते हैं आदमी अपना गाड़ी घोड़ा छोड़ के वो सिटी सर्विस में जाएगा, हर एक मुफ्तू में एक तो सर्विस जाना है, सेक्रेटरीट में जाना है, चिंपू में जाना है, निर्जुली में जाना है, यहाँ हम लोग का यहाँ पर सिटी सर्विस बिल्कुल 0-0 है, ये पता नहीं ये गवर्नमेंट पॉलिसी की उसको लेके नहीं आता है सिटी सर्विस में, अभी हो रहा है ना, वो एक तो बहुत बड़ा मेन पॉइंट है, अगर ऐसा सर्विस देने से आदमी गाड़ी भी कम खरीदेगा, पार्किंग प्रॉब्लम भी थोड़ा छूट जाएगा,
वो एक तो हम बहुत पहले से जब बनारस कंप्लेन था ना काउंसिलर समय में भी हम बीच बीच में बिल ये सब भी उठाता था बट दैट टाइम वी वाज न्यू हम लोग तो ऐसे ट्रायल एंड एरर बेस में हम लोग को किया गया उस समय लेकिन इनपुट तो बहुत अच्छा ही दिया था उसको तुरंत मेटरलाइज अभी का सुलभ तो भी हम लोग देगा होगा यानी स्मार्ट एनअप इंटेलिजेंट एनअप है और मेयर हम लोग का तो अभी ऐसा हमको दिखाई देता है इसमें और एक तो सड़क का अभी टेक्नोक्रेट में सही बोल रहा है ड्रेन में तो पानी जाता नहीं है रास्ता का ऊपर पानी जाता है तो वो सब कुछ कुछ मतलब चीज है जो हमारा लोग पहले जमाना में चलो वो ही जब सब जिन्हें तिन्हें सोलिम ऐसा था ना अभी वो जमाना चला गया अभी अभी प्रैक्टिकल चाहिए होता है अपनी को हर चीज़ में स्मार्ट सिटी चाहिए ना स्मार्ट रोड चाहिए स्मार्ट एवरीथिंग में स्मार्ट चाहिए तो इसको स्मूथ बहुत सीरियसली आपको जैसा सोच रहा है ना बहुत अच्छा सोच रहा है तो ऐसा ही इसको और इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूट अच्छे से करने से हम लोग पब्लिक में बहुत अच्छा ही लगेगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी तो आपसे भी सुनते हैं थैंक यू सो मच तालुक खुतुम साहब का चर्चा तो हम लोग का समाज में चलता है और हम लोग एक साथ काम करने का मिला था व्हेन आई वाज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर 2010 में दर्जी खांडू साहब था इज द मेन ऑफ एक्शन और वो चले भी जाते हैं ईटानगर से कुछ दिन के लिए निशाना तो छोड़ के जाता है खराब निशाना नहीं अच्छा निशाना फॉर एग्जाम्पल वो जो हम लोग का स्थिर गेस्ट हाउस है चीफ मिनिस्टर बंगलो हुआ करता था वहाँ से लेके तारा तांग माप लेके हम लोग का एक ही आई टी डी सी होटल था तो अनिल स्कूल होके वो दूरदर्शन केंद्र होके हायर सेकेंडरी स्कूल होके ये रूट को जो सर्कल को इतना मैंने हाईवे स्टैंडर्ड में बनाया ऑल अचीवमेंट गोल्स टू ही और हम लोग का दर्जी खांडू साहब था ही वॉज ऑल्सो मेन ऑफ एक्शन बिकॉज आई वॉज सर्विंग हिम विथ हिम लाइक सीएम का एडवाइजर था तो आप भी ऐसा था तो ही वॉज ब्लू आई फॉर हिम इतना अच्छा मैंने जो काम लगाता है डेजिग्नेट काम को वो फुलफिल करके दिखाता है बिकॉज द रास्ता ये रास्ता जो है नेशन का प्रॉपर्टी है आपका बिल्डिंग आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए नेशन को हैम्पर नहीं कर सकता है आप शॉपिंग मॉल खोलो या दुकान खोलो व्हाटएवर खोलो आप यू हैव टू हैव अ सिविक सेंस कि मेरा वजह से कि किसी को परेशान ना हो अभी हम इनपुट सुना है एडवाइस सुना है सबसे पहले तो हम डीसी तालुक कुतुम साहब को बहुत ही आभारी है कि हम लोग अपना अवेलेबल व्यूज को भी लिया है अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज हम अभी हम रियलाइज करता है कि आपका जो लर्ने जो इनपुट दिया है हमारा एस पी तक आपका परमेश साहब को इनपुट दिया है हमारा कच्ची जोगी साहब जो हम लोग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर दलोदी का इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया ड्यूरिंग आपका पोमा ये जू रोड तो ब्लॉक था तो है जो गंगा बस्ती से जो एक रास्ता बना टी एन जी वाई सर धनाधन टिपर से लेके हैवी व्हीकल यूज करके पूरा उसके लिए भी आप एक फान प्लेस करके मेंटेनेंस के लिए पैसा ला देने से अच्छा था उसके बाद हम लोग का टाउन प्लानर का जो साहब इनपुट दिया है सो ब्यूटीफुल आपको मिला था यू वॉज न्यूली अपॉइंटेड एज ए चीफ स्टेट ऑफिसर तो मेरा भी कुछ टेंडर प्रोसेस था कोलकाता सॉल्ट लेक में चीफ स्टेट एग्जीक्यूटिव आया उधर में सॉल्ट लेक अरुणाचल भवन में हम भी था टेंडर प्रोसेस के तो आपने बोला हम ट्रैफिक ट्रेनिंग लेने आया तो सोचा चीफ स्टेट ऑफिसर ट्रैफिक ट्रेनिंग लेने आया पुलिस कमिश्नर का था सो इंटरेस्टिंग एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और वो ट्रैफिक का ट्रेनिंग लेने आया है तो ट्रेनिंग का आउटकम दिखाया क्योंकि हम लोग का मिनिस्टर भी बाहर जाता है कुछ कुछ सीखने के लिए जाते हैं आके कुछ दिखाई देता है उसका आउटपुट ये साहब कोलकाता जाने का बाद ईटानगर में बहुत सारा लोकल लड़का लोग वर्धन हुआ ना ट्रैफिक वर्धन आई टी डब्ल्यू ईटानगर ट्रैफिक वर्धन कितना असिस्ट हुआ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इस ब्लेसिंग इन दिस गाइस जैसा आप लोग का पुलिस डिपार्टमेंट रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही माने आप लोग को हेल्प मिला उसके बाद फाइनेंशियल उन लोग का सैलरी तो बहुत कम है फाइनेंशियल बर्डन भी आपने उठाया आई थिंक वो रिस्क लेके उन लोग का सैलरी को जो कुछ पान प्लेस करता था हम लोग का सीएम साहब भी बहुत अमल बहुत अच्छा था दर्जी खान साहब वो देता था 10-12 हजार जो भी होते 15 हजार देखिए ये तो
टेम्पोररी बेसिस में वो हो गया था। इसे अभी गवर्नमेंट को हम आपका साथ हाथ में हाथ मिला के हम अपील करता है कि एटलीस्ट उन लोग को भी ना गवर्नमेंट जॉब एब्जॉर्ब कर देने चाहते हैं, क्योंकि वो तो एज उसका चला गया था ना। जैसे अभी हम लोग का आर्मी का भी ये हो रहा है, ये अग्निपथ को हम लोग स्टेट पुलिस में भी एब्जॉर्ब करेगा, बट देयर वेल टू डू। और कोई कोई लड़का इतना स्मार्ट है, दे डांस विद द ट्रैफिक सिग्नल्स। जैसे हम भूटान गया था, भूटान का ट्रैफिक सिग्नलर्स आर सो नाइस दैट दे यूज्ड टू डांस, क्योंकि वो अग्नि ट्रैफिक गाड़ी चलाने से कोई कोई स्ट्रेस होकर गाड़ी चलाता है, पोस्ट को भी या किसी को बैंक कर, बट वेन दे सो दोस ट्रैफिक वार्डन्स डांसिंग विद द सिग्नल सो नाइस मूड चेंज हो जाता है। आज का समय क्या है, आज का दिन का रिकॉर्ड ऑफ द टाइम टाइम है, टाइम इतना वेल्युएबल है। मेरा घर विवेक बिहार है, उसमें यू टर्न लेके देहरादून कॉलेज का यू टर्न लेके आरके मिशन तक पहुंचने के लिए आप सोचता है आगे कुछ एक्सीडेंट हो गया क्या, क्या हो गया क्या, क्योंकि ट्रैफिक इधर से इतना ज्यादा एक मिनट क्रोलिंग करके करके आकाशदीप तक पहुंचता है। उससे पहले जो बोतलनेक होता है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, तो रामकृष्ण मिशन का तो उधर घुसता है, उधर से फिर इधर जाता है, उसमें सारे एक प्रपोजल देने से अच्छा था एरो ब्रिज या कुछ एक ब्रिज टेम्पोररी के लिए, नहीं तो उसको अंदर पास। आरके मिशन का जितना पैसेंट है अंदर में पार्किंग शॉर्टेज होके बाहर निकल के नीचे पोस्ट ऑफिस लेके नीचे तक, और नीचे जितना भी रखता है सारा लॉक लगा देता है ना। ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पास बेचारा पैसा नहीं है, गरीब कोई गांव से आता है हम लोग का पेरी पेरी से, इवन आसान से पेशेंट आता है और लॉक लगा देता है 2000 देना पड़ेगा। उसके बाद ये डिसिप्लिन भी आपने सर लाया, पहले ये डिसिप्लिन नहीं था, रोड में भी मार्किंग नहीं था। अभी पुत्रों साहब तो ट्रैफिक को तो हम लोग का जैसा ये नॉर्थ ईस्ट में या दिल्ली में घूमने से हम लोग किरण रिजिजू का आदमी, किरण रिजिजू बिकॉज उसका पॉपुलरिटी से ना हम लोग सब किरण रिजिजू का आदमी है ऐसा। ईटानगर में भी तालोक पुतुम साहब में ये आलो फिर तारी गलाना ये वो लोग लगा देगा, तालोक पुतुम साहब इम्पोज सो दैट इज डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो हम लोग सिविक सेंस है, तो वाइल ड्राइविंग ऑल्सो वी शुड हैव ए सिविक सेंस, कैसा लेफ्ट से मोड़ना है, कैसा राइट से मोड़ना है, सिग्नल कैसा देना है। हम किसी किसी को फॉलो करते उसका पीछे हम जाता है राइट साइड टर्न कर दिया सो सडन तो उसको बैंक करेगा है। अब थोड़ा डिस्टेंस से सिग्नल दो तो पीछे का ड्राइवर सोचेगा हाँ ये आदमी राइट ही जाएगा, तो ऐसा कुछ सिविक सेंस होना है। पथक से दरवाजा खोल लेता है पीछे का स्कूटी आके मार देगा, वी ऑल्सो देव सिविक सेंस। उसके बाद गाड़ी का पीछे फिर गाड़ी पार्किंग कर देता है, फिर ये वापस आता है ही कैन नॉट टेक आउट हिज ओन व्हीकल, तो ये सेंस होना है कि ये जेंटलमैन को प्रॉब्लम होगा, ट्रबल होगा व्हेन ही कम्स बैक टू हिज व्हीकल। तो ये सारा चीज हम सिविक सेंस होना है, जो आपने इनपुट दिया बहुत अच्छा है, टाउन प्लानर ने दिया था हम लोग कोलकाता सोल्ट लेक शहर में, तो आइलैंड आइलैंड बनाया, घूम घूम के अपना रुक जाता है, घूम घूम के अपना रुक जाता है। इसलिए आरके मिशन पॉइंट में जैसा आपने हमारा जोगी साहब ने जो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में नेरिस कैन एडॉप्ट, एनआईटी कैन एडॉप्ट दिस आरके मिशन हॉस्पिटल से आकाशदीप का डेब्रिस गंदा पानी रोड से पूरा नदी बन के आके यहाँ चंद्रनगर आपका ऑफिस डाउन है ना, पूरा बिटुमिन उसको उखाड़ के यहाँ में आके यहाँ गिरता है, यमासो नदी में भी नहीं गिरता है। ये देखिए इंजीनियर तो सब इंजीनियर पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बोला है ड्रेन को ड्रेन कनेक्ट नहीं किया, ब्रह्मपुत्र जैसे माइती रिवर को गाइड करता है, उधर का अमेरिका का नेल रिवर को गाइड करता है अच्छा से, ह्यूमन सिविलाइजेशन को डैमेज नहीं करनी, व्हाई वी कैन नॉट गाइड इवन द सीजनल वाटर, इसको तो गाइड कर सकते आप लोग, आप तो ऑलरेडी टेक्नोक्रेट है, एक इंजीनियर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से आता है नेरिस का, आपका पास भी आइडिया, तो हम गवर्नमेंट को आपका साथ ट्रैफिक वार्डन का साथ एसपी सब पुलिस ऑफिसर का साथ हम अपील करता गवर्नमेंट को सफिशियंट पान दीजिए, सफिशियंट पान देने से ये सारा चीज जो है मीटअप हो जाएगा, आइलैंड कंस्ट्रक्शन करेगा, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड एरो ब्रिज और ट्रैफिक सिग्नल्स, अभी जैसे आपने बोला है AI सपोर्टेड ट्रैफिक ये सिग्नल्स देगा, कितना गाड़ी नंबर्स खाली गाड़ी नंबर से नहीं तो भी रेड लाइट चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेंसर नहीं है, लाइट तो चल रहा है तो उसके लिए 20 मिनट टाइम लॉस हो रहा है। अभी AI टेक्नोलॉजी का लगाएगा वहाँ 20 गाड़ी है तो ग्रीन सिग्नल आएगा और ही कैन रन फॉर द वर्क, तो आप इफिशियंसी भी बढ़ेगा। और अदर्स जैसे मैडम ने बोला है कि हम भी बजट में हमको अवार्ड मिलना था, हम बजट में इनपुट दिया था गुजरात मॉडल को, गुजरात में सब सिटी सर्विस में वोल्वो बस है, एयर कंडीशन बस है, डीसी साहब बैठ के बस में जाता है नेकटाई पहन के, क्योंकि एसी है
वाई फाई है, इंटरनेट है, बस में घुटने से यू फील सो कम्फर्ट। उसके बाद सब ऐसा अगर सिटी बस वोल्वो इंट्रोड्यूस करेगा वो ये जो मोकटू से लेके चिंपू से लेके हम लोग यूनिवर्सिटी से सिटी सर्विस अगर होगा जैसा आई बीन टू चाइना ऑल्सो, सब लोग साइकिल चलाता है और बस चलाता है, बस का ड्राइवर इतना छोटा लड़की डबल डेकर बस चला रहा है, क्योंकि वो दे मिनिमाइज दे डिस्करेज टू बाय दिस पर्सनल कार। पर्सनल कार होने से पार्किंग को पहले देख लेते हैं, उसके बाद पर्सनल कार देते हैं। यहाँ वो नहीं है, एक आदमी का चार पांच गाड़ी है तो पार्किंग कंजेस्टेड होता है। इसीलिए ये सारा चीज सिविक सेंस होके गवर्नमेंट को हमें अपील करता है, आप लोगों से सिंसियरली अपील करता है, पान मुहैया कराने से ये सारा प्रॉब्लम जो है तालुक उत्तम शहर का समय में ये सारा समाधान होने से अच्छा है। आदर्श आदर देसी नहीं सकेगा, नहीं सकेगा उत्तम शहर नहीं सकेगा। गवर्नमेंट को अपील करता है उनको सफिशियंट पान दीजिए, अर्बन में भी दीजिए, आत्मनिर्भर में ये ट्रैफिक में भी दीजिए, सब डिपार्टमेंट में इनका थ्रू पान को ले दीजिए और रोटेट करने दीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा ये तालुक उत्तम शहर। थैंक यू सो मच। तो हम लोग का मीटिंग इधर ही समाप्त कर देता है आज का। तो हम लोग फर्दर कुछ और बाद में सजेशन चाहिए तो आप लोग को बुलाएंगे। बहुत अच्छा सजेशन देने वाला हम लोग नहीं है सोचा, तो आज एक से बढ़ के एक सजेशन दिया एंड प्रैक्टिकेबल सजेशन है। ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। और जैसे अभी मैडम ने जो सोच के बैठा है उस दिन हम लोग मीटिंग बैठा है तो सरकार जो है वो सिटी सर्विस का बस लेके आ रहा है, तो इसमें बीच में पार्किंग का सॉरी वेटिंग सेट का काफ़ी और स्मार्ट सिटी का था, तो वेटिंग सेट तो कुछ तो बनाया लेकिन कुछ जगह में बनाने नहीं दिया तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हर चीज़ में थोड़ा से यहाँ में तो प्यार मोहब्बत में तो हर जगह में नहीं चलता है, थोड़ा तो तकलीफ देना पड़ेगा। तो तकलीफ देने वाला मुझे अभी भी गली दे रहा है कोई कोई लोग, चलो तुम ये खराब है बोल के। तो मेरा ख्याल से प्रैक्टिकेबल है, आप लोग जितना सजेशन दिया है टाउन प्लानर को आपका मिनिस्टर और आपका कमिश्नर दोनों, आपका डायरेक्टर भी आया था उस दिन, तो ये सब चीज़ को आप जितना बोला है मेरे ख्याल से उसको दो दिन का अंदर में आप सबमिट कीजिए जो मास्टर प्लान में जो अप्रूव करके रखा है, तो वो तो सचमुच का जरूरी है। तो हम लोग सरकार को भेज देगा नहीं क्या, तो नेक्स्ट एक मीटिंग भी होगा जहां म्यूनिसिपल का साथ भी बहुत बात करने का है, तो मंत्री जो है म्यूनिसिपल का साथ भी मीटिंग लेगा क्योंकि उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए। और पार्किंग का बारे में भी, पार्किंग लॉट्स का बारे में भी काफ़ी जो आगे हो गया, जैसे अभी ईएसए सेक्टर में बना के रखा है, कोई पार्किंग तो नहीं कर रहा है, हाँ कौन करेगा वहाँ में रख के दूर में क्या करेगा। फिर यह बस स्टेशन को बना के रखा है, ये भी दोनों अप्रोच रोड इतना छोटा है, वन वे ही करना होगा। फिर उधर भी जो आकाश दीप और गंगा का आदमी लोग तो वहाँ रख के तो इतना दूर पैदल अभी का समय में तो। हाँ दूसरा है कि उस दिन भी हम लोग का चर्चा हुआ पैसा देने वाला जो है आकाशदीप में तो दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर को भी ले रहा है बोला, तो उसका बाद अभी हम लोग अभी भी जस्ट बात कर रहा है वो जो केएफसी का पीछे में जो कॉरपोरेशन का जो प्रॉपर्टी है वहाँ में भी 50-60-70 गाड़ी रख सकता है, उसको भी अभी 17 को हम फाइनल करने के लिए बोला। डबल डेकर सार करने से कोरियन कंपनी जैसा बनाया नहीं, वो जमीन जो है कॉरपोरेशन को अलॉटमेंट दे के रखा है, तो तभी भी कॉरपोरेशन को हम लोग बोल रहे हैं कि आप चार्ज कीजिए। तो इससे क्या होता है कि वो जो अभी हिमा हॉस्पिटल से लेके 0.3 वाली जो जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर एरिया है ना वहाँ का लोग जो है वहाँ में वहाँ अंदर में घुसा के आराम से वो बारिश होने से भी वो बरंदा बरंदा हो के आप वो घूम वॉकिंग भी कर सकता है, तो इसलिए ये 16-17 तक टाइम दिया है मेरा क्या ऐसे।